जयपुर के बस्सी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आधी रात बंदूक की नोक पर गौ तस्करी का मामला सामने आया है। पशु को कार में डालकर फरार हो गए बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पूरी घटना। दुकानदार जब जागा तो पिस्टल तान दी गई। पहले इस पशु को गुड़ खिलाया गया, फिर रस्सी से बांधा और कार में डालकर फरार हो गए। कार सवार तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी है। बस्सी थाना क्षेत्र के नई नाथ धाम का ये पूरा मामला है। तो बंदूक की नोक पर गौ तस्करी का मामला सामने आया है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी महेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, क्या पूरी जानकारी है? आप सीसीटीवी की जो फुटेज है वो हम फिलहाल देख पा रहे हैं, क्या अपडेट फिलहाल पुलिस की ओर से, क्या कुछ कार्रवाई? जी बिल्कुल, बता दो, आधी रात को बंदूक की नोक पर गो तस्करी का एक पूरा मामला सामने आया है। नैना धाम पर देर रात 12 बजे तस्करी का जो ये मामला है, ये पूरा घटनाक्रम मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। तीन गो तस्करों को गणेश जी जो मोड़ है वहाँ रास्ते से बावलदास बाबा मंदिर के सामने उनकी एंट्री होती है, जैसे ही तीनों गो तस्कर सामने ब्रेजा की जो एक गाड़ी है उस गाड़ी को लेकर आते हैं और उसके बाद एक सांड वहाँ पर जो सांड को पहले गुड़ खिलाते हैं, फिर रस्सी से बांधते हैं। उसके बाद जैसे ही वहाँ पर जो दुकानदार है जो सो रहे थे उनको पता लगता है तो वो उठते हैं। उसके बाद जैसे वो उठते हैं तो उनके बंदूक दिखाते हैं, तो बंदूक दिखाते ही डर के हमारे दुकानदार सो जाते हैं। और कार सवार जो तीन बदमाश ने जो ये वारदात को पूरा अंजाम दिया है, गो तस्कर को, ये जो मामला है मौके पर सूचना पर सुबह पुलिस पहुंची, सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर टीम जांच कर रही है और जो गाड़ी के जो नंबर थे जो फर्जी नंबर थे फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को जांच कर रही है। जी, कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की ओर से? हेलो महेश, पुलिस जांच पड़ताल तो कर रही है लेकिन क्या पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कार्रवाई को लेकर, क्योंकि ऐसे मामले इतने जो हौसले बुलंद हैं इन बदमाशों के, कहीं ना कहीं अगर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से ऐसा ही कोई मामला सामने आएगा? जी बिल्कुल, पुलिस ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, जिस तरह देर रात को तीन बदमाश ऐसे वारदात कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हमने जो गाड़ी नंबर थे उससे वो खंगाले तो गाड़ी नंबर फर्जी निकले गए हैं। फिलहाल हम पूरी जगह जगह टीम नाकाबंदी कर दी है और टीम भेज दी गई है, जांच शुरू कर दिया गया है पूरे घटनाक्रम को लेकर। लेकिन आसपास के लोगों ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, इस तरह की जो वारदात होना एक बड़ा सवाल उठता है। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार पुलिस की ओर से मामले में जांच पड़ताल जारी है। सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया, जिसे आप फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं।